केयर टेकर ना बने, 90 बहुत दूर है, 60 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, बिलावल भुट्टो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि 90 दिन तो बहुत दूर, 60 दिनों में इलेक्शन होने चाहिए। हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन के जरदारी के बयान का मतलब इन्हीं से पूछा जाए। केयर टेकर पर कोई इतराज नहीं, लेकिन ये चेयर टेकर ना बने। बिलावल भुट्टो ने बदीन, ठाठा, सजावल और हैदराबाद के दौरे के मौका पर कारकुनान से खिताब किया। बदीन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल का कहना था, मैं सिर्फ घर की बातों पर ही आसिफ जरदारी के बयान का पाबंद हूँ। सियासी और आईनी मामलों में पीपल्स पार्टी की CEC के फैसलों की पाबंदी लाजमी है। हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन के जरदारी के बयान का मतलब आप उन्हीं से पूछिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, पाकिस्तान में जब भी जरूरत पड़ी अवाम ने कुर्बानी दी और अब इनका हक है कि वो पूछे हुकूमत अवाम के लिए क्या कर रही। केयर टेकर पर कोई इतराज नहीं, लेकिन ये चेयर टेकर ना बने। मुल्क के माशी मसाइल इतने गंभीर हैं कि निगरान हुकूमत से हल नहीं हो सकते। अवाम के चेहरों पर वाज़े लिखा है कि वो मुश्किल और तकलीफ में हैं। अगर निगरान हुकूमत बिजली, पेट्रोल और डॉलर की कीमत नीचे ला सकती तो अपना जादू जरूर दिखाए। हैदराबाद में कारकुनान से खिताब में बिलावल का कहना था, कहा जा रहा है 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते, 90 दिन तो बहुत दूर, 60 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। 90 दिन में भी नहीं कराना चाहते तो इलेक्शन कब करवाएंगे? क्या 100 दिन में इलेक्शन होंगे, 120 दिन में इलेक्शन होंगे? इनका कहना था कि आवाम तकलीफ में है, मौशत बदतर हो रही, लोग परेशान, बच्चों को स्कूल कैसे भेजे, बुजुर्गों का इलाज कैसे करवाया जाए। ख्याल रहे एक बयान में साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा, इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएगा और मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां कराने का पाबंद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम अराकीन पर हमें पूरा इत्मीनान है। इन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त एक माशी बहरान से गुजर रहा, हम सबको सियासत के बजाय मौशियत की फिक्र पहले करनी चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं।